अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये जो हम जिस पे चल रहे हैं? लगभग लगभग अच्छा चलेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, वहाँ पर वहीं पर चलेंगे फिर भाई। मतलब यहाँ से, यहाँ से 1 किलोमीटर होगी चौड़ाई। हाँ चौड़ाई, और वहाँ पर उसकी चौड़ाई ना 1.5 किलोमीटर लगभग होगी। उधर चौड़ा है थोड़ा, क्योंकि नदी यहाँ पर ऐसे आया है ना, चौड़ा हो चुका है। एक नदी से उसके किनारे बसने वाले लोगों का बेहद करीबी रिश्ता होता है, जिसका कई बार कोई नाम नहीं होता। रिश्तों के नाम पर बस कुछ दृश्य आँखों में तैर जाते हैं। लेकिन अब इन दृश्यों में एक और तस्वीर जुड़ने लगी है, और वो है बैराज। उनसे बोले मुख्यमंत्री साहब से, उन्होंने भी नहीं किए प्रार्थना की, उसने एक नहीं सुना। मुआवजे के बारे में हम लोग बताए तो वो ऐसा हम लोगों को मतलब अंधकार में रख दिया कि जो बैराज बन रहा है उसमें किसी का नंबर जमीन डुमान में जा ही नहीं रहा है। ये सारा डी बैराज है, ये मेरोनी बैराज है। गांव तो इसके नदी के इस पार है, ये हाँ ये पार है, बस गांव इधर है, इधर है, लेकिन जैसे कछार है वहाँ का, जमीन बीच में है। हाँ जमीन बीच में है, और इधर वाला भी जमीन प्रभावित कुछ हो रहा है किनारे वाला महानदी के। तो ये बहुत 1 किलोमीटर का चौड़ा है ये धारा, ये भी 1 किलोमीटर का है, और ये भी 1 किलोमीटर का है, और ये बीच जो है ना, बीच हिस्सा ये 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का हिस्सा ही, जब यहाँ का जैसे ज्यादा पानी होता है तो इसमें आ जाता है महानदी का पानी, बाढ़ में तो सम हो जाता है, बाढ़ आता है तो ये पूरा डूब जाता है। अब जैसे यहाँ पे बांध हो गया तो हमेशा रहेगा। तो जो वाटर लगा है पानी का, उसी के हिसाब से फिर लगाएंगे हम लोग। अब इसमें लगाए हैं हम लोग, ये रहा ये आलू, और ये फसल है, ये सभी गांव वालों का है, सभी का है, इसमें मेरा भी है, और यही 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 मेरा है ये फसल, और इसमें मटर भी है, और उधर आलू, और उधर आलू, सब ऐसे ऐसे सभी लोग लगाए हैं, सभी किसान भाइयों ने। इसी के जरिए से हम लोग बाहर नहीं जाते थे, लेकिन अब के हिसाब से हम लोगों को गांव छोड़ करके भी बाहर भागना पड़ेगा। अब मेरा ज़मीन है तो ठीक है,
किसी भाई का, किसी गरीब भाई का जमीन नहीं है, वो क्या करेंगे खाने कमाने के लिए? वो बाहर निकल जाएंगे गांव छोड़कर। लगभग प्रॉपर हमारे ग्राम सकराली का 901,000 एकड़ के लगभग जमीन प्रभावित है, जिसमें 100 एकड़ 150 एकड़ नदी के इस पार का है, गांव तरफ का। बाकी जो महानदी और बोराई नदी दोनों के बीच का हिस्सा है, मतलब 8-10 किलोमीटर से लंबा और 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर चौड़ा जो जमीन है वो सब प्रभावित हो रहा है, जो 3 फसली सब का है। सकराली से शुरू है तो उपनी है, माजरकूत है, और सिरियागढ़ है, नावा पारा है, बसंतपुर है, ये सब मतलब नदी के बीच में है। और जब पानी भर जाएगा बांध में तो हम लोग नदी के पार नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हम लोग सूखा में काम करते हैं, बरसात में मात्र निंदाई के लिए हम लोग डोंगा में जाते हैं, और दोनों तरफ भर जाएगा तो 1 किलोमीटर को हम लोग कैसे पार करेंगे? और हमेशा भरे रहेगा तो वहाँ हम लोग मतलब हल ले जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। और यदि वह ज़मीन बच भी जाएगा, मेरे ख्याल से यदि बच भी जाएगा तो वहाँ हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे रिकॉर्डिंग का क्या है, आप देखेंगे क्या रिकॉर्डिंग है इसमें। मिरौनी बैराज के इन गार्ड साहब को मेरा फोटो लेना मंजूर नहीं है। इस नदी पर लगभग 90 किलोमीटर के अंदर 5 बड़े बैराज बनाए जा रहे हैं, शिवरी नारायण बैराज, बसंतपुर बैराज, कलमा बैराज, मिरौनी बैराज और साराडे बैराज। यह सभी बैराज निजी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिनमें अधिकतर बिजली बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। बैराज का पानी सिंचाई के बजाय इन कंपनियों को सप्लाई किया जाएगा, जिसकी कीमत छत्तीसगढ़ सरकार ने महज 3 रुपया प्रति 1,000 लीटर लगाई है। अपने भिलाई रहने के दौरान मैंने इतने ही पानी का 50 गुना अधिक मूल्य चुकाया है। साराडीह बैराज से सीधे तौर पर 9 गांव प्रभावित होने वाले हैं, जिनमें लगभग 12,500 आबादी निवास करती है। यदि 5 बैराजों से प्रभावित लोगों का आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो यह लगभग 50,000 से ज़्यादा ही जाएगा। तो अब निस्तारी कहाँ करते हैं? यहीं से होता है। आपने कंपनी को कुछ बोला नहीं? बोले हैं 2-3 बार तो नहीं कुछ कर रहा है, मनमानी कर रहा है। उसको फिर से रुकवा दीजिए, नाली करके बाहर से कोई इसका पानी को समान ही नहीं रहा, जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोगों को। कलेक्टर के सामने में बोल रही से कि हम तालाब खोदा कर देंगे,
हम चारागाह देंगे, न तो चारागाह निदेश न तो तालाब खोदा के निदेश, और ऊपर से हमारे 20 एकड़ 19-20 में जमीन रिस है, वो जमीन ला का बनाई सब है बराबर कर दिस तालाब रिस है गरवा का सिर्फ पानी पिए अभी वो जगह आदमी भी है। छुरी गांव का यह तालाब वंदना पावर प्लांट के वाटर रिजर्वायर की तरह हो गया है। गांव वालों की शिकायत पर हाईकोर्ट ने फिलहाल पानी के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बरसात में तालाब के पानी को निकालने के लिए नहर बनाई गई थी, जहां पर अब प्लांट की दीवार और बॉयलर खड़े हो गए हैं। शायद भविष्य में वंदना को यह उम्मीद है कि हाईकोर्ट के फैसले उसके पक्ष में हो जाएंगे। मेरे जहन में जांजगीर चांपा के किसान की एक अलग ही तस्वीर है। यहाँ के किसान अन्य ज़िलों की तुलना में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन करते हैं। खेतिहर ज़मीन का 78% भाग सिंचित होने के कारण यहाँ 1 एकड़ में लगभग 1000 किलो धान का उत्पादन होता है। धान का कटोरा की पहचान में जांजगीर चांपा की ज़मीन, पानी और किसानों के श्रम की सबसे बड़ी भूमिका है। नॉर्थ और साउथ जो है छत्तीसगढ़ माइन जंगल झाड़ी पहाड़ी एरिया, ये दोनों जगह में माइंस ट्राइबल एरियाज, और जो बीच का भाग है वो प्लेन, ज़्यादा स्लोपिंग नहीं है, बहुत कम स्लोपिंग है, इसीलिए वहाँ पैड़ी होता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, और विशेषकर जांजगीर जिला में तो वन ऑफ द बेस्ट पैडी क्रॉप, क्योंकि ऑलमोस्ट 70-80% सिंचित है एग्रीकल्चर, तो इरिगेशन होने के कारण क्या है बहुत सारे जगह में तो डबल क्रॉप होता है। अब एक सिंगल क्रॉप तो निश्चित उसको फेल होने का चांस ही नहीं। हमारे जैसे मैं जिस ब्लॉक में हूँ डबरा ब्लॉक है, मेरे आसपास का जो है शक्ति है, मालप्रदा है, जयपुर है, ब्लॉक्स तहसील्स, यहाँ तो क्रॉप कोई फेल नहीं होता। डबरा ब्लॉक शुरू में क्या था कि ये प्राइवेट कंपनियाँ खरीद लेती थी जमीन, अभी जो चल रहा है पिछले 5 साल से गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके प्राइवेट कंपनियों को दे रही है। करीब 2.5 महीना पहले हाईकोर्ट का एक ऑर्डर हुआ जिसमें 4 कंपनियों का एक्विजिशन रद्द कर दिया गया, तो निरस्त हो गया था वो। मतलब हाईकोर्ट का कहना है कि प्राइवेट कंपनियों को एग्रीकल्चरल लैंड शासन द्वारा जनहित बोल के, पब्लिक पर्पस बोल के देना उचित नहीं। कंपनी जमीन कैसे ले रही है? कंपनी जो है ना जबरदस्ती भी कर रही है, भोजन लगा रही है, और जबरदस्ती इस हिसाब से कि आदमी को प्रताड़ना टाइप का शुरू में दिया गया, इस टाइप का था। कैसे प्रताड़ना? यानी कि मानसिक प्रताड़ना समझिए कि आप किसी के घर बार बार जाते रहो, जमीन दो आप, आपका जमीन दे दो बढ़िया रेट मिलेगा, इस हिसाब से आप एक दिन में 4 बार 5 बार 3 बार रोज जाओ, तो आदमी जो है ना मानसिक रूप से भी थोड़ा विचलित हो जाता है, क्या करूं आपके ये दे दिए जमीन, झूठ बोलता था कि आपके ये सहयोगी लोग दे दिए, आप दे दो, या आप उसकी क्या देख रहे हो, आप जमीन दे दो बाद में भोजन लग जाएगा, इस टाइप का मन में बात होती थी कि भोजन लग जाएगा तो आपको हम जो रेट दे रहे हैं उससे कम रेट में शासन देगी। तो भोजन लगाने की सीधे सीधे धमकी दे करके जमीन ली गई? हाँ, भोजन लगाने की धमकी मान के चलिए, धमकी देकर जमीन लिया गया। ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है ब्रिटिशर्स का बना हुआ है, पुराना जमाने का एक्ट है, वो तो
भारतीयों का जमीन अधिग्रहित करके ब्रिटिश शासन लेना चाहती थी, इसलिए बनाया हुआ एक्ट उसी को उपयोग कर रही है हमारा गवर्नमेंट। उस समय तो गवर्नमेंट ब्रिटिश शासन अपने लिए उपयोग करती थी गवर्नमेंट के लिए, अभी तो प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए कर रही है। लोगों को बोलते थे कि आपका जमीन भोजन में जा रही है आप दे दो, लेकिन उसका कोई सूचना हमको धारा नौ लगने के बाद हमको सूचना मिलता था कि आपका ये जमीन धारा नौ में आ गया है या धारा बारह लग चुका है। धारा चार और छः जो होता है पहले वो जो है किसानों को पता नहीं चल पाता गांव में। क्यों नहीं पता चल पाता है? क्योंकि यहाँ न्यूज़पेपर तो आता नहीं है और न्यूज़पेपर जो देता है वो क्षेत्रीय न्यूज़पेपर में नहीं देता, कंपनी बाहरी न्यूज़पेपर में दे देता है। पहले तो आप खेती करते थे? हाँ, पहले। और कुछ मालूम नहीं था? नहीं, नहीं। तो पहली बार आपको कैसे मालूम चला? हम लोग को बाद में हुआ, एक साल के बाद में, एक डेढ़ साल के बाद में हुआ, कंपनी आएगा बोलकर। अगले कार्यकाल में ना पंच सरपंच री से कोटवार री से गांव में वही मन पहली दे डाली, वही मन पहली दे डाली, तब अति के जनता मन तहां देहे के चालू करी, कछु कछु कमजोरी रही सोई ओकरे ले अति के मन देहे के चालू करी। गड़ाई जमीन में बेचा गए पूरा कोटवारी जमीन हां बिक्री हो गई है, ओ दुनिया भर के लफड़ाए फिर ना हम धरना प्रदर्शन रखे रहे पूरा महिला महिला हां दो महीना से। अच्छा, दो महीना से धरना प्रदर्शन में रहे। किस लिए? ए कंपनी हटाएगा। अच्छा, कंपनी भगाने के लिए। तो हुआ क्या फिर? फिर उसके बाद ना धरना प्रदर्शन के बाद देंगे बोले, देंगे बोले जो कुछ भी मांग रखे है देबो कहीं। हाँ। तो में हम संतुष्ट हो गए, संतुष्ट के बाद में उमर लो डेढ़ लाख मवाजा फिर मिली, एक लाख दस हजार एक लाख बीस हजार में बिक्री हो रही ना उमन के डेढ़ लाख मवाजा दिस। आप सरपंच हैं? हाँ। अच्छा, और नौकरी में रखेंगे बोलिस, नौकरी में रखेंगे बोलिस फिर ना कहाँ के नौकरी, दिहाड़े तो कर रहा थी 120 रुपया में। अब कम पेमेंट होते? हाँ, तब में परमेंट होते, एग्रीमेंट के साथ नौकरी देंगे आपको बोले रही से। और अच्छा से जब जमीन छोड़ दोगे यानी कि हमारे कंपनी जाएगा तब जमीन छोड़ना, उतना दिन तक आप फसल उगाते रहिए इसने बोले रिश्ता मांगा। उसके बाद ना है। और कहां, और हम नहीं देंगे, कंपनी का काम है, तो कंपनी का काम है, हम कंपनी अपना जमीन को हम रखेंगे कहकर ना किसी को नहीं दी, और जो करेगा खेती उनको पैसे रखना पड़ेगा बोला। रात में ना बड़े गुंडा भेजे मारे बा। अच्छा, हाँ तो हम ना चार माह लग में बहुत साल जेल में रहे हैं, ये बेचारा बिन मतलब के फंसे फंसा गए 307 में महुला कहे कंपनी के में अंते अंते मार पिटान हो रही था, हमन ना वो कंपनी विरोध में रहन ता हम ना वोट देकर वोट दे रहे चार आदमी ना बिना गलती के चार आदमी ला बेचारा बिन फोकट के जेल का 40,000 रुपए हमन ने खर्चा हो बिना मतलब खोखरा में रहे चार महीने पांच दिन तो ये कंपनी के गुंडे थे। धरना प्रदर्शन में रहे ना सर बहुत हमन के हमन ज्यादा देर मान के हमन कारखाना खोलने के लिए जान कहने चारों दिन रहे तमन पहले तो सरपंच मांग गए रही तो वही में लगे हम मान लो खेल दिन तह बहुत साल मान खेली तह मन के गुटा हट उठी गई और को मैं ना 307 धारा खत्म कर देगा कहें तहले नहीं करो कहें चलो तुम काम करो कहे सिम करवाओ कहे काम भी करवाएं तो कर पार में ना जेल भी घलो गए अच्छी तो रुक जाए कंपनी। एक कंपनी अपना को बहुत झूठा देकर बहुत लालच देकर बता रहा हूँ, मेरे को जमीन दिखाने के चार पांच जगह लगाए, फोग्राम बद्री में लगाए जब मेन रोड है, उसके बाद देवघट्टा के रोड में मेन रोड में दिखाया, तो मैं बोला कि इसमें से कोई भी जमीन दे दो, वो तो कोई तय नहीं किया था, जमीन ले लिया, उसके बाद बोला कि 1,10,000 का काम देना है तो लो नहीं तो जाओ जो करना है कर लेना। मैं इसके बारे में कागजात रखा हूँ अभी तक बनवा कर, इसके बारे में कुछ कार्रवाई करवा सकता हूँ ऐसे सोच।
मैं मंत्रालय जाने के बारे में पास औकाते नहीं रहकर मंत्रालय में कौन सुनेगा अपना। ऐसे कितने गाँव के लोगों के साथ हुआ है? ऐसे कहना चाहिए अब केकरा भाग, ढेकरा पाली, पांधा पाली, कुचकुंडा और कानाको, घिंगरा, धोबनी पाली, इतना में हम खास करके ऐसा हुआ है। हाँ, वो करीब करीब गवर्नमेंट का आंकड़ा ही मेरे पास पड़ा है, करीब करीब 15,000 एकड़ तो गवर्नमेंट ही एक्वायर करके दे रही है और ये सरकारी जमीन जो है ना वो भी उठा कर दे रही है गवर्नमेंट जमीन। जहाँ सुनाई एक साल बाद हुआ जनसुनवाई। अच्छा, जनसुनवाई में हुआ क्या? क्या कि सब प्रलोभन दिए, इतना देंगे पैसा, इतने नशा, 10 लाख के भांग देंगे, हर आदमी का पीछे नौकरी देंगे, हर आदमी को नौकरी देंगे, आठ डाक जिसमें जाएगा उसको भी नौकरी देंगे। यहाँ पर एक बैठक, मतलब आमतौर पर फैक्ट्री आने के पहले एक बैठक होती है, हाँ वो हुई थी क्या? हाँ, जन सुनवाई बोल रहे हैं, जन सुनवाई हुई थी, लेकिन क्या है उसमें जन सुनवाई में तो पूरा विरोध किए थे पब्लिक लोग, लेकिन अपने आप पास करवा लेते हैं उन लोग। अक्सर यही कंपनी नहीं, हम कई कंपनी देखे, एथेना है, डीवी पावर प्लांट है, सबका जन सुनवाई जाते हैं, लेकिन वहाँ पब्लिक लोग बहुत आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं फैक्ट्री का, लेकिन वो फैक्ट्री आंदोलन करते हैं, जन सुनवाई पास हो जाता है और फिर लग जाता है फैक्ट्री। जन सुनवाई में आया कौन था सरकारी ऑफिशियल की तरफ से? इसमें आए थे कलेक्टर साहब आए थे, अक्सर जन सुनवाई में एडिशनल कलेक्टर आते हैं जो, और वही आते हैं, फिर विरोध होता है, खींचा तनाव बैनर पूरा फाड़ दिए थे, लेकिन आखिरी में सब पास हो गया और फैक्ट्री खुल जाता है। इसका मूर्ति भी बेस्ट बनता है जी। हाँ, तो यहाँ मूर्ति बनाते थे लोग? हाँ, वहाँ जो आगे में ना वो होटल है ना, हाँ, महिला का एक घाट का, हाँ, उसके पास देखना इतना बड़ा हाथी है पत्थर का, बड़ी यही पत्थर का बनाया हुआ है हाथी, और क्या बोलते हैं शिवलिंग महादेव, वो सब चीज बनता है पत्थर का। एकदम बराबर फटा है। लेकिन क्या करे, कंपनी सालों सभी को लूट लिया, ना कुछ काम नहीं देता है। क्या हुआ हुआ मतलब हम लोग का इसी में रोजी रोटी चल रहा है, पूरा एकदम पत्थरे पत्थर है ना। सब रोटी माटी सब पावर प्लांट तो खा लिया, नहीं अभी सील पत्थर फोड़ रहा था, इसमें जेत खात रहे, ये भी अब ये कर देता, अब कहाँ से अब पाएंगे पत्थर। आई में हम जेत खात रहे, जमीनों भी ला सस्ता में इसे एक दो चार टेपरी रही वहू ला खरीद ली सस्ता भाव, आखिर आओ कुछ के काम के नहीं है। कितना परिवार थे उस पिंडा के जो वहाँ पर पत्थर तोड़ते थे? उस पिंडा के तो पूरा बस्ती है रे पत्थर तोड़ैया, कितना ये बंधा पाली है रे, हाँ निगा सबे हम तोड़ा था, दोनों गांव है ना इस में जियत रहे पावर प्लांट में, इस सिलेंडर तोड़ा। अब तो वहाँ पर पावर प्लांट बन गया? बन गया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, पावर प्लांट ने कुछ काम नहीं दिया? नहीं दी, नौकरी छोकरी भी गला को नहीं रखी, तो कहने कही बोलीस कि जो चालू होती रही तो पत्थर को मैं निकाल दूंगा, तोड़ सकेगा फोड़ सकेगा, हमें दूसरी जगह कर देंगे कुढ़ो देंगे कही,
कहाँ से उसमें पाट पटी के साबित कर दी, पत्थर भी घरा को नहीं दी। अरे पूरा वो घेराव कर दिए, हाथा घेर दिए, तो ये पत्थर थोड़े पाओ नहीं पान, ये तो अभी छुट्टा है तब पा जा था। ये सब खदान उसी का पत्थर तो मेरे यहाँ काम नहीं मिला है अभी। अभी कहाँ सो जाए, ऐसे हाजिर वाजिर जाते हैं। हाजिर जाते हैं तो एक हाजिरी का कितना देते हैं ये? 1.75। हाजिरी में होता क्या है ऐसे? ये बस कुछ काम नहीं होता है इधर उधर। सुबह कितने बजे बुलाते हैं? 8 बजे। 8 बजे हाजिरी दे करके और फिर छुट्टी कर देते हैं। सब छुट्टी कर देते हैं। तो कभी कभी शाम के भी बुलाता है तो शाम के कभी कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते। अच्छा, कुल कितनी जमीन है आपकी? मेरा यहाँ 6 एकड़ जमीन था तो बाकी तो निकल गया। तो बाकी में आप खेती करते हैं? अब खाली वही अदली बदली जमीन बचा है 2 एकड़। अच्छा, तो अच्छा ये जो एथेना में जो जमीनें गई हैं सब खेती वाली जमीन है? हाँ, सब खेती वाली जमीन। सबका जमीन का पैसा जो है ना किसान लोग गाड़ी लेने और घर बनाने में ही लगा दिए। तो आगे अब खाएंगे क्या? आगे खाएंगे क्या, कंपनी के में है अभी 5,000 रुपए दे रही, उसी से काम चला रहे हैं। यदि 5,000 भी जाएगा तो गांव वाले भी भागने को मजबूर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कंपनी 5,000 रुपया देती रहेगी? नहीं देगी कंपनी जो है, जब तक जमीन है किसानों के पास तब तक 5,000 देती रहेगी। जब जमीन कंपनी का हुआ, भोजन वगैरह लगाया और कंपनी ले लिया, फिर 5,000 देना भी धीरे धीरे बंद कर देगी। तो कंपनी ने तो मुआवजा दे करके तो जमीन तो ले ली है। हाँ, तो अब किस बात का उनको दिक्कत है कि वो नौकरी पे लें? नहीं अभी मचा है ना। अच्छा। अभी अभी लगभग 80-150 एकड़ लगभग बचा है गांव वालों किसानों का जमीन, भोजन वगैरह करके जो पैसे नहीं उठाए हैं 150 एकड़ बचा है। 150 एकड़ है तब तक रखा है, बाकी सबको निकालने का इनका विचार है। आपको लगता है कि ये जो हादे चल रही है चलती रहेगी? नहीं, ये क्यों कर रहा है? ये सब अपना अभी झगड़ा को झगड़ा वगड़ा नहीं होगा ऐसे का चला रहा है। आज तो पर्चा पानी लेके बुलाया है। अच्छा, दूसरे जिसके पास पर्चा है उसी को डिप्टी में आओ हाजिरी में। पर्चा किस तरह का पर्चा? जमीन का। अच्छा। जो हम लोग बिक्री किए हैं ना उसका, हमारे रिस पुर्सी का है, उसको लेकर के आना बोला है। अच्छा। और जिसका पास नहीं है वो फिर जाओ बोलेगा ना। तो कई लोग हैं जिनके पास नहीं है? नहीं है। तो जमीन कैसे दिए, पर्चा नहीं मिला कैसे? ये खाली 2 नंबर का धंधा है ना, जब उसका जमीन है उनका जमीन है उनका जमीन है, उनको ले करके अब किसी तरह से झगड़ा नहीं होना चाहिए। मुआवजा बराबर दिया है, ऐसी बात नहीं है। पैसा के लिए कोई नहीं है, तब को दे दिए हैं। सब खुशी है, मंगल मंगल है सब। फिर बाद में 2-3 साल के बाद में पता चल जाएगा। हाँ। जमीन मतलब एक तरीके से देखें तो जमीन से हमारे पुश्ते खाना और ये सब चलता था। हाँ हाँ, बस इसी में हमारा गुजर बसर था। अब क्या, अब कैसे होगा? जिनकी ज्यादा मतलब काफी जमीन चली गई है, वो कैसे क्या लगेगा उन्हें, कैसे तो क्या करेंगे सर? उसको मरना ही मरना है।
ग्रेजुएट को पावर प्लांट में कहां कहां फिक्स कहां देखते हैं? एक साइंस ग्रेजुएट को आप पावर प्लांट में टेक्निकल फिक्स में कहां देखते हैं? और जो मैकेनिज्म है आज का, जो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है पावर सेक्टर के, क्रिटिकल बेस्ट जो बॉयलर्स आ रहे हैं, कितना मेन पावर की जरूरत होती है? 500 मेगावाट का अगर पावर प्लांट है तो 500 लोगों की जरूरत नहीं होती है, तो 500 लोगों में उसमें एग्जीक्यूटिव भी होंगे, टेक्निकल पर्सन भी होंगे, लेबर्स भी होंगे, तो एग्जीक्यूटिव तो उनके और जो उनके टेक्निकल हैं वो तो सब बाहर से आते हैं, तो 50 तो क्या मतलब आप गांव वालों को ड्राइवर रखोगे, चपरासी रखोगे या मजदूर रखोगे? और ये काम वो आउटसोर्सिंग से कराते हैं, तो रोजगार कहां जनरेट हुआ? जिनके पास, जिनकी 5 पीढ़ी उस जमीन से खा रही थी, आपने उनको अपने जमीन पे नौकर बना दिया, और नौकरी तो आप एक ही जनरेशन को दोगे ना, आने वाला जनरेशन क्या करेगा? जब उसके पास खेत था तो आने वाले जनरेशन उसमें खेती करके खाता था, तो आपने तो बेरोजगारी बढ़ाई ना, आपने हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहां किया? जहां पूरा गांव जहां पे उस जमीन से इन्वॉल्वमेंट होता था, आपने 50 लोगों को दे दिया नौकरी, जो लोकल होगा वो उनका मजदूर होगा और वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठेकेदार से लेबर सप्लाई होगा या सिक्योरिटी फोर्स उनके बाहर खड़ा होगा, उनको कब निकाल दे उनका भरोसा नहीं है। जिसका सबसे ज्यादा उदाहरण आपके सामने लैंको है, वन्ना है, दीपावली के दिन, दीपावली के एक दिन पहले 90 लेबरों को वन्ना वाले गेट के बाहर कर दिया, उनका सामान तक नहीं दिया। अभी आप देखेंगे, अब पूरे गांव वाले आके कलेक्टर पास आ जाएं, कलेक्टर काम में जू नहीं रहेगा, अब एक इंडस्ट्री फोन कर देगा और पूरा फोर्स जाके वहां पर खड़ा हो जाए। ऐसा लगता है कि सारा पूरा सिस्टम प्रशासन इन्हीं के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए है। रोजगार मिलने की उम्मीद से निराश हो चुके लोग अपने अपने तरीके से रोजगार की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुआवजे के पैसे का अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। अथेना के बाउंड्री वॉल से लगकर छप्पर की कई दुकानें उगाई हैं। जो सिगरेट महंगा नहीं आना लगा। कब से लगा रही हैं? अभी अभी शुरुआत कर रही हैं। अच्छा, इसके पहले वो दूसरे गेट पर दुकान थी। दादी आपकी कितनी जमीन गई है? 20 मील तो मेरे को नहीं मालूम है। हाँ, आधा ही करते हैं। हाँ, इधर मंदिर के सामने। तो अब उस पैसे का क्या हुआ? का करे गोदी जान? 20 मील खेत लिया हूं, अंडी में और परसी में। उसके बाद 85,000 साई प्रसाद जमा किए हूँ डबल टिपाल पे। उसके बाद इन्वेंट में किया हूँ 75,000। गाड़ी लिए हूँ। और पैसा कुछ बचा या सब खत्म? सब खत्म। गाड़ी है हमारे पास।
जो इस विपरीत परिस्थितियों में ऐसे खराब समय में आप सब एक चट्टान की तरह हमारे परिवार के साथ खड़े रहे, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और ये तो आने वाले समय में हम सबको गांव वालों को रोज दो चार होना पड़ेगा, कभी कोई छोटी मोटी समस्या, कभी जेल पुलिस, कभी कोई केस रिपोर्टिंग, रोज होना पड़ेगा। ऐसे समय आपको चाहिए कि एक मजबूत व्यक्ति को आप चुने जो इस कंपनी से टकराने की हिम्मत रख सके। ऐसे मजबूत व्यक्ति को चुने जो पुलिस, जो प्रशासन, जो कंपनी उस व्यक्ति के नाम से डरे। कोई भी नेता यहाँ आते हैं ना, पॉकेट धर लेता है, झोली पकड़ चले जाते हैं, चले जाता है। झोली क्या चीज? पैसा। अच्छा, भर के बाहर लिया, बैग मजबूत होता है, यहाँ से पार हो जाता है। कोई भी मंत्री मिल लाते हैं ना बोलकर, जैसे आप भी आए हो, आप भी पकड़ चला जाइए। ठीक बोल रहा हूँ, आपका सेवक आपके द्वार के तहत, हम आपके बीच आ रहे हैं और आपके सामने हम अपनी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमारे मुखिया डॉक्टर रमन सिंह ने आपके लिए क्या किया और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारे कामों को आप देखिए, हमारे कामों को आप समझिए और तुलना कीजिए। तुलना किस सरकार से कीजिए? इसके बाद कंपनी से बोला गया था कि एक समिति बनाइए, जो CSR का रहता है, हम लोग देना रहता है उनको, खर्चा करना रहता है 5 गांव प्रभावित में CSR से, वो पानी की व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था, गली में कंक्रीटीकरण, रोड की व्यवस्था, महिला लोग को जागरूकता करना, कुछ छोटा मोटा काम देना, ये सब है। तो इसमें कुछ नहीं किया, इसका हम समिति बनाए थे, आज तक कभी बैठक हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, जिसका काफ़ी हम दे दिए हैं कंपनी को, आज तक कुछ नहीं हुआ ना, पूछा जा रहा है। नल भी नहीं लगा, इसमें नल लगा था। अच्छा, टंकी में पानी नहीं भरता? पानी नहीं भरता ना, बरसात का पानी भी नहीं भरता ना, कुछ नहीं भरता, ऐसे ही बस इसमें खाली खड़ा है।
क्या है कि उससे बोला था अब कुछ कुछ को हल नहीं किया हाँ। कुछ को गांव में उसमें नाली दे देगा पानी देगा स्कूल देगा जो गांव गली गली में कंक्रीटिंग करवाएगा वो बोल कर ऐसा ठक ठक के फुलवार फुसवार के ले लिया अब कुछ नहीं करा काम नंद कुमार घरों का आया था वो बोल के गया था तो कहाँ गए पैसा लेके भाग गया पैसा लेके भाग गया किसी भी गांव को घने पेड़ों से अलग करके देखना मुश्किल होता है। आश्चर्य की बात है कि पेड़ काटने का आरोप सबसे ज़्यादा इन्हीं गांवों पर लगते रहे हैं। दुख की बात यह है कि हमारे गांव में जो है बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे और पेड़ पौधे में लगभग 900 पेड़ पौधों की कटाई हो चुकी है रामपुर वगैरह मोहल्ला करके और इधर का पेड़ जो है गांव के पश्चिम साइड में जितने पेड़ हैं उनकी कटाई अब चालू है और उनकी कटाई अंधाधुंध तरीके से की जा रही है कि ये नहीं देखा जा रहा है कि ये अच्छा पेड़ है या इमारती पेड़ है कुछ नहीं देखा जा रहा है सबको काटो और घर उनके पहुँचा दो और एक ट्रैक्टर किराया करती है और घर पहुँचा देती है किनके घर जिनका जिनका पेड़ है उनका पहुँचा दो अच्छा उनको उनसे पूछते भी नहीं है हाँ बस सब लोग इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं उस दिन हुआ क्या था कैसे आपको पहले से मालूम था कि यहाँ ब्लास्टिंग होने वाली है हाँ तो हुआ क्या चारों तरफ पूरा आया हुआ एम्बुलेंस जब होता है जब ब्लास्टिंग हुआ पूरा धरती ही गया था और पत्थर बड़े बड़े पत्थर ऊपर ऊपर जा आसमान में गए थे घर में भी गिरा था और कई लोग रोकने भी गए थे लेकिन बार बार वो घुस वैसा खा ले इसी बात फिर होने लगा किसके सिर में काम कर रहे हैं पूरे सिर फट गया सिर तो हुआ यहाँ पर आप लोग स्कूल उस समय चल रहा था उस समय क्लास लगी थी तो क्या दीवार भी देखो ना फट फट गया है उतना जोर से फटा है ये उसी से फटा है आसपास से घरों में भी ऐसी फिर और क्या हुआ उस दिन क्या महसूस किया और क्या हुआ उस दिन कोई बोले तो मतलब जिस दिन ब्लास्ट हुआ क्या हुआ कैसा महसूस किया तो हैं लास्ट बहुत बार हुआ अच्छा तो कितनी बार हुआ अभी तक पता नहीं लेकिन रोजाना होता था एक दिन में 6-7 बार उस समय आप थे उस दिन
जिस दिन ब्लास्ट हुआ था तो बच्चे जो बोल रहे हैं आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप भी तो थे यहाँ पर? आप भी तो थे तो पत्थर इस पे छत पे तो पत्थर गिर रहे थे बच्चे बोल रहे हैं। अभी तक किसी नहीं देखा। बच्चे बोल रहे हैं आवाज तो आ रही थी। बच्चे अब देखे होंगे जैसे दोपहर को खाने के बाद ऊपर में चढ़ते होंगे पत्थर तो बहुत सारे पड़े रहते हैं ऐसे छोटे छोटे पत्थर कोई बच्चे लोग खेलते हैं तो फेंकते हैं लेकिन वहां से गिरते हुए पत्थर किसी ने नहीं देखा हम लोगों ने कभी तक नहीं देखा। वाटर रिजर्वायर बनाने के लिए अथेना पावर प्लांट द्वारा की गई ब्लास्टिंग स्कूल से 100 मीटर से भी कम की दूरी पर हो रही थी। दैनिक भास्कर पावर प्लांट की चिमनी भी बड़ादरा प्राइमरी स्कूल से 500 मीटर की दूरी पर ही होगी। अथेना की चिमनी और निमुही का स्कूल दोनों के बीच का फर्क 200 मीटर का है। आरकेएम पावर प्लांट और उचपिंडा के उच्च प्राइमरी स्कूल के बीच सिर्फ एक दीवार का फर्क है। पीछे लोग घेराव कर रहे थे अपने कंपनी की व्यवस्था के लिए। अच्छा तो अपन लोग जाके उसको मना किए ये हमारा जमीन है यहाँ से स्कूल जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से 50 मीटर तक तो बोले कि वो 50 फीट होगा मैं बोला 50 मीटर है अपने को पटवारी की प्रक्रिया है उसी के आधार पर यहाँ बिल्डिंग बना है गवर्नमेंट का तो उन्होंने रोक दिया फिर बाउंड्री बना नहीं नहीं अभी ज्यों का त्यों है लेकिन हमारे जमीन में उनका पार्किंग चल रहा है। एक मेगावाट बिजली बनाने के लिए हर रोज़ 18 से 20 टन कोयले की ज़रूरत होती है। जांजगीर चांपा ज़िले में बिजली उत्पादन का लक्ष्य लगभग 40,000 मेगावाट रखा गया है जिसका मतलब है कि लगभग 7,60,000 टन कोयला प्रतिदिन चलेगा। मेरे लिए यह जानना ज़रूरी था कि इतनी बड़ी मात्रा में कोयले के जलने से आसपास के इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। कोरबा बिजली उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र प्रतिदिन 6,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित 5 शहरों में से एक।
जितने हिस्से में घास दिखाई दे रही सब है, सब राख है, पूरी राख है। आप यहाँ इस पे बालू खदन कब से? पिछले 4 सालों से। और मतलब एक खदान के तौर पे देखते हुए हमको नदी से सीधे रेत नहीं मिलता है। हाँ, ये हर साल क्या होता है, बारिश के बाद एक लेयर आ जाती है। हाँ, फिर बारिश होता है, उसके ऊपर फिर एक नया सैंड आ जाता, बालू आ जाता है, फिर अगले साल राखड़ आता है, फिर अगले साल बालू, यानी कि वो कई लेयर में उसके ऊपर रेत बालू मिक्स हो जाता है। तो हमको बहुत मेहनत करके उस रेत को पहले कचड़ा हटाना पड़ता है, फिर उसमें से बालू निकलता है। बगल से लेना उस तरफ। मतलब ये प्रतिदिन अंदाजा है कितना टन ये छोड़ रहे हैं इस नदी में? लगभग ये 10,000 टन के आसपास होगा प्रतिदिन। प्रतिदिन ये हर दिन रात में आप 8 से 9 के बीच। अगर आपको रेत निकालनी है तो आपको कितना लेयर हटाना पड़ता होगा? क्या नदी बहुत ज्यादा बड़ी है। हाँ, तो ये जो राख है एक किनारे वाले हिस्से में जाके इकट्ठा हो जाती है। इनके पास राख रखने के लिए जगह नहीं बची है, तो हवा में उड़ाएं तो प्रॉब्लम, राखड़ डैम भरी हुई है तो प्रॉब्लम। तो इनको सबसे अच्छा नज़रिया ये लगता है कि नदी अपने साथ पानी बहा रही है, ये पानी में बह के निकल जाएगी। तौर पे हम जो एनवायरनमेंट के नाम से हैं उस हिसाब से अगर पावर सेक्टर फुलफिल कर रहे हैं और अच्छा कोयला जला रहे हैं जिसके अगर कोयला भी उपलब्ध है हमारे पास, तो 40% हम एस कंटेंट मानते हैं। तो करीब करीब 51 से 52 हज़ार टन एस का पर डे जनरेशन होता है कोरबा में। 52 हज़ार टन फ्लाई एस रोज जनरेट होता है कोरबा में, और आप ये मान के चलिए हम उसका 0.1% भी हम उसका कंजप्शन नहीं कर सकते। पूरा जो है सेमी के नार है, मुनगा के पौधा है, और ये आलू गोभी जितना भी फल के नाम के है, फूलने वाला जो पौधा है, इसमें कोई प्रकार के फल नहीं लग पाते। खबर कि राकड़ डैम हमेशा के उड़ के पौधा के ऊपर वो डगाल में पूरा चिपक जाते हैं। यहाँ कोई प्रकार के फल पौधा के नाम से है ही नहीं। देखो ना भैया, मन भी देखो, सीता का फल है, बेर का पौधा है, मुनगा के पौधा है, सेमी नार है, इसमें कोई प्रकार के फल नहीं है। नहीं तो पहले कहा है 3 महीना हमन खाने इकट्ठा, और सेमी के पौधा 3 महीना बिना पानी डाले तो वो पूरा फल लगे, ये हमन खा नहीं सके तो कोई एक दूसरे भी ले दे दे फ्री में, चलो भैया अधिक फल लग गए खाओ, आज कुछ नहीं। ये सब अभी ये 10 साल के अंदर की बात है, कोई पुराना बात नहीं। जैसे कि अब ये हमारे यहाँ के बगल में है राखड़ डैम, अभी सामने आवा थे, ये जो है बगल में वो सीधा कलेक्टर ऑफिस कोरबा जरा नहीं, वो कलेक्टर ऑफिस कोरबा एकदम धुआंधार, लेकिन उमल अधिकारी मतलब भी वो चीज़ के पता नहीं कि भाई कहाँ से धूल आवा थी, ये भी उमल पता नहीं। और जाना थे सब आदमी, नहीं जाना थे वाला बात नहीं, जाना थे उमल भी जाना थे,
है? लेकिन कोई बोल ही तो था। पैसा के भंडारण धर लें थैली में ता का मतलब। एक दिन तो हमला कोरबा में रहना, ब्याजे तो दंते वाले जाना है। अधिकारी सोचते हैं अब सही बात है भाई, नौकरी तो है, दो दिन ही रही, दो दिन चार चलेंगे, दो दिन कितना भी राखड़ खा ले कि नहीं। ये सब उमन के कारोबार है। तो ये संभव ही नहीं है कि आप ईंट बना के, गड्ढे भर के या सीमेंट प्लांट में भैंस मिला के आप उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए उसको आपको डिस्पोज ही करना पड़ेगा। और ये एक ऐसी समस्या है जो खत्म कभी खत्म नहीं होगा। जब तक पावर प्लांट चलेंगे तब तक एस जनरेट होगा और उसको एस को डिस्पोज करने के लिए आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आने वाले टाइम में बहुत भयावह स्थिति निर्मित होने वाली है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया कि कोरबा में जस्ट पर डे करीब करीब 52,000 टन एस जनरेट हो रहा है। तो हम मान के चलिए उस 52,000 टन के लिए आप सारे पावर प्लांट का एवरेज निकालेंगे तो कम से कम 5-7 साल में, हर 5-7 साल बाद आपको 500-600 एकड़ जमीन आपको एस डिस्पोजल के लिए चाहिएगा। तो आने वाले 50 साल की स्थिति ये हो जाएगी कि कोरबा में सिर्फ चारों तरफ सराउंड द सिटी, अराउंड द जिला डिस्ट्रिक्ट सिर्फ एस डिस्पोजल के लिए एस डैम बन रहे होंगे। तो सोचिए जहां पर 6-7 पावर प्लांट आज कोरबा में है तो वहां की स्थिति ये होने वाली है। तो उन जगहों का क्या होगा? सपोज दैट हमारे जो पड़ोसी जिला है चांपा जांजगीर, जहां पे बिना किसी स्टडी के, बिना किसी प्लानिंग के आपने 32 MOU साइन कर दिए हैं। क्या प्लानिंग है आपके पास वेस्ट डिस्पोजल का? कुछ नहीं।